साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी के पकड़े जाने के बाद से लगातार हलचल बढ़ रही है, लगातार अपडेट हो रहे हैं और बड़ी बात यह है कि इस दौरान 1 जून को सिद्धार्थ पिठानी की रिमांड खत्म हो गई। लेकिन यहीं पर कोर्ट ने सिद्धार्थ पिठानी की रिमांड को आगे बढ़ा दिया। जी हां, पिठानी को एक बार फिर से एनसीबी को सौंप दिया गया। कहां तो अब तक के आरोपियों को एक बार भी रिमांड पर नहीं भेजा जा रहा था और कहां पिठानी को दोबारा फिर से रिमांड पर भेज दिया गया, जो कि एनसीबी की बड़ी जीत कही जा रही है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी की इसी पेशी के दौरान कोर्ट में खूब हंगामा भी हुआ। पिठानी और उसके वकील ने खासा तमाशा खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि सिद्धार्थ पिठानी गिड़गिड़ाने तक लगा। मगर एनसीबी की दलीलों के आगे उनकी एक नहीं चली और कोर्ट ने तुरंत ही रिमांड को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि अब बहुत बड़े टेस्ट की तैयारी है, मशीनों से सच उगलवाने की तैयारी है और इसीलिए कोर्ट ने पिठानी को बड़ा झटका दे दिया। तो क्या क्या हुआ कोर्ट में, कैसे हुआ हंगामा और फिर क्यों पिठानी गिड़गिड़ाने लगा और क्यों भेज दिया रिमांड पर और कैसे और कब होगा मशीनों वाला टेस्ट, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत सिंह राजपूत केस में पकड़ा गया है और पकड़े जाने के बाद जब पिठानी को कोर्ट में पेश किया गया तो पहले राउंड में पिठानी को 1 जून तक रिमांड पर भेजा गया। उम्मीद थी कि 5 दिन में पिठानी सब कुछ उगल देगा और उसके बाद रिमांड की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब 1 जून को सिद्धार्थ पिठानी की रिमांड खत्म हुई और उसे कोर्ट में पेश किया गया तो एनसीबी ने हैरान कर दिया। जी हाँ, एनसीबी ने फिर से पिठानी की रिमांड की मांग कर ली और सिद्धार्थ पिठानी की न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजने का विरोध किया और इसके लिए जबरदस्त और तीखी दलीलें भी दे दी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि सिद्धार्थ पिठानी पूरी तरह से जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। सिद्धार्थ पिठानी के बारे में खबर है कि वो अपने बयान भी बदल रहा है और कई बातों पर, कई सवालों पर मुझे पता नहीं है या फिर मैं नहीं जानता जैसे जवाब दे रहा है। लेकिन एनसीबी को तो सारे के सारे और पूरे जवाब चाहिए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के घर पर लंबे समय से था और इसीलिए उसका बोलना, सच उगलना बेहद जरूरी है, लेकिन वो कई बातें छिपा रहा है, इसीलिए हमें यानी कि एनसीबी को दोबारा रिमांड मिलनी चाहिए। अब जैसे ही एनसीबी ने पिठानी की रिमांड बढ़ाने की मांग की तो कोर्ट में हंगामा हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी के वकील ने तुरंत ही रिमांड का विरोध कर दिया। पिठानी के वकील ने दलील दी कि एनसीबी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है और अब पूछताछ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा और यहां तक आरोप लगा दिया कि पिठानी के साथ ज्यादा सख्ती की जा रही है, जबकि वो सब कुछ बता चुका है जो कि वो जानता था। अब वकील ने यहाँ पर कोर्ट में खासा तमाशा खड़ा किया, सिद्धार्थ पिठानी भी इस तमाशे में शामिल हो गया और कोर्ट से जेल भेजने की गुहार करने लगा। जी हाँ, जो पिठानी अब तक भागता फिर रहा था, जिसे एनसीबी ने भगोड़ा घोषित किया था, वो अब एनसीबी के पास नहीं जाना चाहता था बल्कि जेल जाने की मिन्नतें करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। पिठानी कोर्ट से जेल भेजने की गुहार लगा रहा था और पिठानी के वकील ने भी पूरा जोर लगाया कि सिद्धार्थ पिठानी को रिमांड पर ना भेजकर जेल भेज दिया जाए, मगर इनकी कोर्ट में एक नहीं चली। एनसीबी ने कोर्ट में एक बार फिर ऐसे सबूत, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रखे कि कोर्ट भी हैरान हो गई और एनसीबी ने कहा कि हमारे पास और भी पुख्ता सबूत हैं, बस हमें इन पर सिद्धार्थ पिठानी का बयान चाहिए और पिठानी बहुत बड़े राज जानता है जिन्हें वो बता नहीं रहा और इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी की रिमांड बढ़ा दी जाए। अब एनसीबी की इस दलील पर कोर्ट ने तुरंत ही सिद्धार्थ पिठानी की रिमांड को 4 जून तक बढ़ा दिया। जी हां, 4 जून तक एक बार फिर से पिठानी को एनसीबी के हवाले कर दिया गया और तब तक पिठानी एनसीबी के लॉकअप में ही रहेगा और उससे एक बार फिर सवाल जवाब होंगे। अब यहाँ पर बड़ी और समझने वाली बात यह है कि एक बार फिर से पिठानी से पूछताछ होगी और इस बार और भी सख्ती से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि सामान्य पूछताछ तो सिद्धार्थ पिठानी के समझ में नहीं आ रही, लिहाजा उससे कड़ाई से सवाल होंगे और माना जा रहा है कि इस बार पिठानी बड़े राज खोल सकता है जिन पर वो अब तक चुप्पी साधे हुए।
हालांकि पिठानी को लेकर खबर ये भी है कि वो पूछताछ के दौरान भी ढीठ बना हुआ है और सहयोग नहीं कर रहा है, अपने शातिर अंदाज से लगातार सच छिपाने की कोशिश भी कर रहा है। अब ऐसे में बड़ी खबर ये भी है कि अगर 4 जून तक, जी हाँ 4 जून तक एनसीबी की पूछताछ में पिठानी ने सच नहीं उगला और एनसीबी इस पूछताछ से भी खुश नहीं हुई, तो अगली पेशी यानी कि 4 जून की पेशी में एनसीबी कोर्ट में बड़ी मांग कर सकती है। कोर्ट में एनसीबी पॉलीग्राफ और लाइट डिटेक्टर टेस्ट की मांग कर सकती है। जी हाँ, ये बड़ी मांग एनसीबी की टीम एनसीबी कोर्ट से कर सकती है सिद्धार्थ पिठानी के लिए। हालांकि हाल के दिनों में इन दोनों ही टेस्टों की इजाजत बेहद कम मिली है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस की गंभीरता और लोगों के लगाव को देखते हुए एनसीबी इस बड़ी डिमांड को कोर्ट के सामने रख सकती है और बहुत संभव है कि जिस तरह से कोर्ट ने पिठानी की रिमांड बढ़ाई, वैसे ही झूठ पकड़ने वाली मशीन से टेस्ट कराने की इजाजत भी दे सकती है, जिसके बाद तो सिद्धार्थ पिठानी चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगा और पूरा का पूरा सच उगल देगा, क्योंकि यही उस मशीन की खास बात भी है। तो कुल मिलाकर सिद्धार्थ पिठानी को कई तरह के झटके लगे हैं। पहले तो कोर्ट ने रिमांड बढ़ा दी और अब ज्यादा सख्ती से पूछताछ होगी, और ऊपर से सच नहीं बताया तो मशीन वाले टेस्ट की तैयारी है, जो कि पिठानी के लिए बहुत बड़ा, सबसे बड़ा झटका है। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर करें। तो सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद से पकड़कर मुंबई लाया गया और एनसीबी के ऑफिस में सिद्धार्थ पिठानी से जबरदस्त पूछताछ हुई। पिठानी से भी पूछताछ में ही नए क्लू मिले, तो फिर एनसीबी ने तुरंत सुशांत के नौकर नीरज और केशव को भी पूछताछ के लिए बुला लिया और दोनों ने भी पूरा पूरा सच उगल दिया, जिसके बाद ये हुआ कि नीरज और केशव दोनों ही सरकारी गवाह बन गए और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सब कुछ बोलने को तैयार हो गए। यानी कि पिठानी की गिरफ्तारी इस बार सुशांत केस को आगे बढ़ाने के लिए ट्रिगर पॉइंट रही और पिठानी की ही गिरफ्तारी के बाद लगातार केस में नई स्पीड आ गई, आगे केस लगातार बढ़ने लगा और इंसाफ की उम्मीद भी साफ साफ नजर आने लगी। अब ऐसे में सभी यही सोच रहे हैं कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी को इतनी देरी से क्यों पकड़ा गया। जब पिठानी हैदराबाद में ही था तो उसे कभी भी पकड़ा जा सकता था, और पिठानी को अभी इसी वक्त ही क्यों पकड़ा गया। तो इन सारे सवालों के जवाब खुद एनसीबी ने दिए हैं। मुंबई एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े उस टीम को भी लीड कर रहे थे जिसने पिठानी को हैदराबाद के कुशाईगुड़ा स्थित उसके घर से पकड़ा था, और अब वानखेड़े ने ही इस बारे में कई सारी बातें बताई है, कई बड़े खुलासे किए। असल में एनसीबी ने जब केस संभाला था तो शुरुआत में पिठानी से एक बार पूछताछ हुई थी और शुरुआत में ही सीबीआई ने भी पिठानी से पूछताछ की थी, और करीब अक्टूबर और नवंबर के महीने में सिद्धार्थ पिठानी अचानक गायब हो गया और इस दौरान पिठानी ने अपना पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया और सोशल मीडिया से भी पूरी तरह से अलग हो गया। यही नहीं, सिद्धार्थ पिठानी अपने पुश्तैनी घर से भी कहीं और यानी कि किसी अलग जगह पर रहने लगा। अब दिसंबर 2020 से ही एनसीबी को पिठानी के खिलाफ सबूत मिलने लगे थे और तभी एनसीबी ने पिठानी को पहला समन भी भेजा था। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।